देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में पुराने छात्र नेताओं को जोड़ने की शुरुआत सिद्धार्थनगर जिले की गौतम बुद्ध की धरती से हुई है। शनिवार को जनपद के विभिन्न महाविद्यालयों के वर्तमान सहित पूर्व छात्र संघ के पदाधिकारियों को सम्मानित करने का कार्यक्रम समाजवादी अध्ययन केंद्र के बैनर तले किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सपा के कद्दावर नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे ने करीब 3 दर्जन छात्र नेताओं को सम्मानित किया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने इस कार्यक्रम को पूरे भारत में चलाने की बात कही। माता प्रसाद पांडे ने वर्तमान की भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए व्यापक स्तर पर आंदोलन चलाने की बात कही। उन्होंने बजट को लोक लुभावन लेकिन जमीनी स्तर पर फेल बताया। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट। मनेंद्र मिश्र जी ने इस परंपरा को सिद्धार्थनगर से प्रारंभ किया और जो परंपरा प्रारंभ होती है वो बड़े पैमाने पर जाती है। मुझे आशा है बड़े पैमाने पर भी इस तरह का कार्यक्रम ये करेंगे। देखिए विपक्ष का फेल्योर नहीं है। सबसे पहले बात ही होती है जब नई सरकार बनती है तो उसे नया काम करने का कुछ दिन का मौका दिया जाता है और मिनिमम माने कम से कम 6 माह दिया जाता है कि वो अपने कार्यक्रम बनावे चलावे। इनको समय दिया गया। समय आने के बाद अब इनकी जो कमियां हैं जनता जब जान ले रही है तो हम लोग आंदोलन की शुरुआत फिर की। अभी 27 जनवरी को ये पूरे प्रदेश के सभी तहसीलों पर धरना प्रदर्शन किया गया। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।